एक बड़ी खुशखबरी है, इस्तकबाल फरमा। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मुजफ्फर मामू जान का इस्तकबाल फरमा। क़यामुद्दीन भाई से मैं गुजारिश करता हूँ, अल्लाह सलामत रखे। तो इस्तकबाल मैं सुनील भाई से गुजारिश करता हूँ कि जावेद भाई कल इस्तकबाल करते वाबस्ता है। हमीद सद्दा साहब का इस्तकबाल होना चाहता है। अनिल भाई और सुनील भाई, विलास भाई, ये तीन अहबाब जो है तमाम मेहमानों, हमीद सद्दा साहब से गुजारिश करता हूँ जा कहीं तशरीफ रखते हैं, ढाई सौ तशरीफ लाए। इमरान खतीब साहब अली उस गांव के नेता है, मैं बचपन होश संभाला जब से आज मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौलवी रशीद साहब से गुजारिश करता हूँ जिससे वो तशरीफ ले आए। दोस्तों गाली जिगर बाद के इंतकाल के बाद जब दुनिया फानी से रुख्सत हो गई तो गजल ने दिल्ली के बाहर अपना पहला कदम निकाला। किसी शायर ने उसका हाथ थाम कर ये कहा कि हमें एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे। रियान गलवान साहब, इमरान खतीब साहब, जब दिल्ली के बाहर गजल ने पहली बार कदम निकाला तो किसी शायर ने उसका हाथ थामा और ये कहा कि हमें एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो हादसे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे। हमें एक उम्र इसी गम में मुब्तला रहे थे, वो हादसे ही नहीं थे जो पेश आ रहे थे। इसीलिए तो मेरा गांव दौड़ में हारा, जो भाग सकते थे वैसा किया बना रहे थे। दोस्तों जब गजल को आईना बनाकर देखा गया तो यूं महसूस हुआ कि गजल के दिलों को पेचोखन संवारने के अलावा इसमें दुख दर्द भी पेश किया जा सकता है। तो एक नई राय इख्तियार की गई और मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि निशाने चूक गए सब निशान बाकी है, निशाने चूक गए सब निशान बाकी है, शिकार गाह में खाली मचान बाकी है। फिर एक बच्चे ने लाशों के ढेर पर चढ़कर ये कह दिया कि अभी खानदान बाकी है। दोस्तों जब ये सफर और आगे बढ़ा और आज के नई नस्ल के पास पहुंचा तो बड़े एक ऐसी गजल भी कही गई जिसमें दुख भी मिला, दर्द भी मिला और नसीहत की बातें भी मिली। मैं जिस शायर को पेश करने जा रहा हूँ मैं उसके बारे में उसके तारीफ में ये बता दूं कि मालेगांव की सरजमीन जो भी जर्रा पैदा करती है उसमें आफ्ताब की चमक होती है। मेरी मुराद है मेरे बहुत ही मोहतरम शायर हजरत वाहिद अंसारी साहब से। मैं इन मिसरों से आवाज देता हूँ कि मोहब्बत में तो निकलेंगे मगर कोहराम कर देंगे, मोहब्बत में तो निकलेंगे मगर कोहराम कर देंगे, यही दो चार आंसू आपको बदनाम कर देंगे। हमारे पास धड़कन है, जिगर है, जान है, दिल है, तू जिस पर हाथ रख देगा वो तेरे नाम कर देंगे। जोरदार तालियों के दरमियान हजरत वाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी बड़ी शख्सियत डाइस पर मौजूद हैं, सामने बैठे हुए हैं। जितनी देर तमीज करते हैं उतना वक्त पढ़ने के लिए मिला है, क्योंकि वक्त नहीं है। अभी मेरे बाद भी कई लोगों को पढ़ना है, बगैर किसी तमीज की इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे सीधे शायरी का आगाज करते हैं। जी इरशाद वाली चंद शेर पढ़ता हूं, समाज फरमाए। मतलब है कि दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, आहा, दिल तेरी झील सी आंखों को खंगाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, आहा। मतलब ऐसे ही था कि आप ऐसे खामोशी से सुन ले, लेकिन जो शेर है वो आपसे बुलवाएगा। अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, और वही पूछ रहा है कि ये झाले कैसे। क्या कहने वाहिद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अभी भी कुछ लोग हैरत से पक रहे हैं मुझे,
है, मैं कोई नई मखलूक नहीं हूँ, आप में से हूँ, कई मरतबा यहाँ आया हूँ मैं। इस वक्त मेरा अमल है कि मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आपका रद्द अमल होना चाहिए कि आप मुझे दुआओं से और अपने दाद से नवाज दो। जिन तेरी झील सी आंखों को खनाले कैसे, अपने अरमान के मोती को निकाले कैसे, हुक्म जिसने दिया शोलों पे मुझे चलने का, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, अब वही पूछ रहा है कि ये छाले कैसे, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए। तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, क्या कहने वाहिद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तुझको भेजा गया, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, तुझको भेजा गया कासे की हिफाजत के लिए, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, ये तेरे हाथ में सोने के निवाले कैसे, आरवी घर के दरोबाम सजाने वाले, आरवी घर के दरोबाम सजाने वाले, शिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे, क्या कहूं, आरवी घर के दरोबाम सजाने वाले, शिक्र कर कब्र में आएंगे उजाले कैसे। मुझे एक नज्म पढ़ना है, उससे पहले मैं कुछ मुतफरिक अशआर पढ़ दूं और उसके बाद सीधे सीधे वो नज्म मेरे हिस्से में जितना वक्त आया है मैं कोशिश करता हूँ, कम वक्त होने की वजह से आज माइंड काम नहीं करता किस वक्त मैं क्या करूँ, मैं क्या इंतखाब करूँ। बहरहाल ये कौमी यकजहती का मुशायरा है, ये हमारे तशरीफ रखते हैं राष्ट्रीय एकता कौमी यकजहती ऑल इंडिया मुशायरा, तो मैं दो तीन शेर पढ़ के अपनी हाजिरी दर्ज करवा लूँ, इस मुशायरे का हक अदा कर दूँ, उसके बाद एक नज्म मुझे पढ़ना है, समाज फरमाए कहाँ फरमाए जाते हैं, इजाजत है, इजाजत है तो तालियां बजा के इजाजत दें एक बार तब मुझे। हाँ बताए हमें, सीटी नहीं बेटा, गलत गलत जगह आ गए हो, सीटी नहीं, सीटी नहीं बजाने वाला, ये सीटी वाला टाइप नहीं है। हाँ दाद जी, तो मैं राष्ट्रीय भाई को शेयर करता हूं, समाज फरमाए ऐशो मस्ती में, थोड़ा सा बोल रहे हैं ना, ऐशो मस्ती में झूम लेते हैं, क्या कहने, इश्क मस्ती में झूम लेते हैं, लेके हाथों में झूम लेते हैं, चौथा मिश्रा लगेगा तो मैं आपकी ताई चाहता हूँ, लेके हाथों में झूम लेते हैं, याद आती है माँ के आंचल की, याद आती है माँ के आंचल की, याद आती है माँ के आंचल की, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद वाहिद भाई जिंदाबाद, वाहिद अंसारी जिंदाबाद, तिरंगे को हाफिज सलीम के अपने साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इश्क मस्ती में झूम लेते हैं, लेके हाथों में घूम लेते हैं, याद आती है माँ के आंचल की, याद आती है माँ के आंचल की, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, हम तिरंगे को चूम लेते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये चार मिसरे समाज फरमाए इरशाद वाली, ये आज के एकता का प्रोग्राम है, आपसे इजाजत है कि अच्छा लगे तो आप दुआ से नवाजें, समाज फरमाए। अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, थोड़ा थोड़ा जुड़े जुड़े हैं, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है, अपने वतन का हर जर्रा तूफानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है, सबको पता है अपनी मिट्टी सोना है,
उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पीतल का पानी है। आप चाहें तो मेरे साथ रिदम दे सकते हैं ना। अपने वतन का है जला तो पानी है, एक एक बच्चा राजा हिंदुस्तानी है, सबको पता है अपने मेटे सोना है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, उनकी मिट्टी पे पीतल का पानी है, पीतल का पानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। दोस्तों शालीमार होटल के संचालक महाराज शेख साहब से मैं गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ ले आए। बाजी शेख साहब बदमेरा इनसे भी गुजारिश करता हूँ स्टेज पर तशरीफ ले आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, प्यारे हिंदुस्तान का जलवा जिंदाबाद, सारी दुनिया के झंडों से ऊंचा है, इसीलिए तो अपना तिरंगा, इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। आखिरी चार मिसरे और उसके बाद जीवाजी आप पढ़िए। इसीलिए तो अपना तिरंगा, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। ये चार मिसरे मुझे मालूम है कि आप इस वक्त इसलिए नहीं खुल पा रहे हैं कि आप मुशायरों में 11 के बाद खुलते हैं, है ना। इन परिंदों के पर जो है 11 के बाद खुलते हैं, फिर वो फजा में प्रवास करते हैं। इस वक्त सहमे हुए हैं कि वक्त है नहीं कोई, लेकिन जो भी वक्त है तो आप उतनी देर भी अगर आप सुन लें मुशायरे का माहौल बन जाए। दोस्तों हमारे इस मुशायरे की दो शायरा को भी तशरीफ ला चुकी हैं, आप उनका इस्तकबाल कर दीजिए। मेरे बहुत ही अजीज आज जो सदारत फरमा रहे हैं रहमत खान प्रधान साहब, अतीक सर साहब तशरीफ रखते हैं, हमीद साहब, अजीम साहब, सैफुद्दीन साहब हैं और सुनील देशमुख साहब तशरीफ रखते हैं। ये चार मिसरे पढ़ता हूँ और ये चार मिसरे मुझे बताएंगे कि मुझे कितनी देर आपकी आप इधर 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 भैया हेलो इधर 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 आप उधर कहाँ आए, तभी डाइस से बैठेंगे जी भर के देखना, लेकिन इस वक्त मैं माइक हूँ, आप इस वक्त बता दो। हाँ ऐसा ना हो तो मेरे खाने में मिट्टी क्यों डाल रहे हैं आप लोग। एक मतलब तालियां बजाए मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, सवाल फरमाए। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे। तालियां बजा के बताए मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, सबको अंदाजा है हमारे ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, अड़े तो पाकिस्तान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। सईद का इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सारा कमेटी की तरफ से, सईद पटेल साहब की तरफ से, शरफुद्दीन साहब की। देश का दुश्मन चाहे हमारा भाई हो, वक्त पड़ा तो उसकी जान भी ले लेंगे, सबको अंदाजा है हमारी ताकत का, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, जिद पे अड़े तो पाकिस्तान भी ले लेंगे, ले लेंगे। दरिया वाले और समुंदर वाले हैं, कतरा कतरा यूं ना हमें खैरात दो,
सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। दरिया वाले और समंदर वाले हैं, कतरा कतरा यो न हमें खैरात दो, फिर से हम सोने की चिड़िया कर देंगे। लाओ हिंदुस्तान हमारे हाथ लाओ, जिंदाबाद शहजाद बड़े साहब इस्तकबाल कर रहे हैं भाई साहब जिंदाबाद। हमारे हाथ में दो, ये मुशायरे की जरूरत बहुत हो बहुत हो, राष्ट्रीय एकता को मिल जाए जिंदाबाद मुबारकबाद। लाओ हिंदुस्तान हमारे हाथ में दो, बस एक नज़्म मुझे पढ़ना है, उस मुशायरे की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे पढ़ना है ताकि एक अच्छा तासुर लेके आप जाएं। ये मुशायरे की जरूरत थी जो मैंने पढ़ दिया, मैं पढ़ता हूँ सलाह करूँ जी इरशाद वाली सलाह कर। चांद भाई नईम भाई जमील भाई डॉक्टर खालिद मुल्ला साहब इधर भैया इधर मुझे देख लो। इन दिनों एक नज्म बड़ी तेजी से पूरे दुनिया में सफर कर रही है, आप यूट्यूब पे देखते होंगे जी इरशाद अली पढ़िए वाहिद भाई। से पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, आहा किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। मुझे समझ में आ गया कि आप किसी हिसार में, कोई टेंशन है आपको, कोई भी परेशानी है ना। पहले तालीम से आहा तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए बहुत खूब वाइब है बहुत खूब इस तरह तोड़ दिए जाओगे। ये जिनकी याद में बज है चार मिसरे पढ़ता हूँ सवाल चढ़ना है। समाप्त करना जी इरशाद जैसे वे बैठिया बैठिया छुपाना पड़ता है, आंखों में छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना पड़ता है, क्या कहूं जख्मों को छुपाना पड़ता है, अशकों को छुपाना, क्या कहने भाई भाई पड़ता है, जख्मों को छुपाना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को सीने में दागना पड़ता है, दुख दर्द के सारे लम्हों को कैसे दवाए कर डालो, कितनी भी दवाए कर डालो, कैसे भी दवाए कर डालो, कितनी भी दवाए कर डालो, जब उसका बुलावा
आता है, सब छोड़ के जाना है। बहुत कुमारी भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। का बुलावा आता है, सब छोड़ के जाना पड़ता है। जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई भाई साहब, जिंदाबाद पड़ता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, है ना, जो मैंने बयान किया। अब आइए एक नज़्म सुन लीजिए, उसके बाद इजाजत। अल्लाह करे आपका मूड बन जाए। इन दिनों एक एक नज़्म बड़ी तेजी से सफर कर रही है पूरी दुनिया में। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी। एक शायर ने ये कलाम लिखा और एक नाथ खां इसको पढ़ रहा है, आप यूट्यूब पे निकाल के देख सकते हैं। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में जाएगी, ऐसा एक शायर ने लिखा और एक नाथ खां इसको पढ़ रहा है। मैं राइटर, मैं शायर आदमी, मैंने जो महसूस किया मैंने उसको कुछ कलम बंद किया। अब आपको लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ तो मेरे साथ सफर करें पांच मिनट के लिए, अल्लाह करे आपका मूड बन जाए, है ना। ये लम्हा माँ की अरे शायर, ये सारे माँ के लाल मेरे सामने बैठे हैं। मैं नज़्म शुरू करता हूँ, समाप्त हूँ मैं। एक नज़्म पढ़ी जा रही है, बात सुन लेना। हर मुसीबत को झेल जाती है, हर मुसीबत को झेल जाती है, तैयार करके बैठे। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, सबका ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है। माँ कभी झूठ बोलती है, जिंदाबाद बहुत खूब बहुत खूब। कभी झूठ बोलती ही नहीं। ये मुखड़ा फिर पढ़ता हूँ, इसे होनी चाहिए थी, इसकी जो हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। भैया हेलो, भैया हेलो, इधर इधर जी भाई, हमारे साथ है ना, हम आ जाएंगे फिर बात करने लगना है ना, थोड़ी देर इधर समाप्त करना है। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही। तैयार बैठे, ये मिसरे के फिर मुझे नवाज, उसके बाद बंद पड़ेगा सवाल पर मैं। हर मुसीबत को झेल जाती है, फिर भी होठों को खोलती ही नहीं। मेरा ईमान और अकीदा है, मेरा ईमान और अकीदा है, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। जिसने लिखा जो पढ़ रहा है उसके लिए बंद पढ़ता हूँ, समाज पर मैं। तेरा कहना है कि माँ जब भी जबां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तेरा कहना है कि माँ जब भी जबां खोले है, जो भी बोले है तो बस झूठ तुझे बोले है। तुम्हें खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तुम्हें खोटा तो तुझे माँ भी लगे है खोटी, तुम्हें झूठा तो तुझे माँ भी लगे है झूठा, तुम्हें झूठा तो तुझे माँ भी लगे। बहुत खूब बहुत जिंदाबाद। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं। मैं ताली बहुत मुबारकबाद जावेद साथी साहब, आपका इस्तकबाल कर रहे हैं कार्यक्रम में शायरी की तरफ से। तालियां इसलिए हमारे शायरी को रहने की जाने से इस्तकबाल किया जाता है। मैं मेरी शायरी के लिए या मेरे लिए तालियां नहीं बजवा रहा हूँ, मैं माँ के लिए शेर पढ़ रहा हूँ। कायनात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके ऊपर माँ का एहसान नहीं है। ये सारे माँ के लाल बैठे हैं, अब बंद पढ़ता हूँ, आप मुझे बताना कि आप माँ से कितनी मोहब्बत करते हैं। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं। याद रखना मुझे, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे पेट में रखती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं, और तेरे वास्ते तकलीफ को सहती ही नहीं। झूठी होती तो तुझे
दूध पिलाती ही नहीं, झूठी होती तो तुझे दूध पिलाती ही नहीं, और तुझको कभी सीने से लगाती ही नहीं, और तुझको कभी जिंदाबाद जिंदाबाद भाई ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ समाज भर में, आखिरी बंद पढ़ता हूँ जिस बंद के लिए मैंने ये नज्म कही, ये बनाओ दोबारा। नहीं नहीं नहीं, आखिरी बंद जो अहम बंद है, जो बड़ा बंद है वो पढ़ता हूँ, और अच्छा लगे यहाँ लगे तो मेरा नहीं, तालियां बजा के इस इस्तकबाल इस बंद का होना चाहिए कि लगे कि ये माँ की अजमतों के लिए शेर पढ़ा जा रहा है। समझ रहा मैं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है। बहुत वाहिद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ कभी झूठ बोलती ही नहीं, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, इसके दामन से रसूलों ने वफा पाई है, इसकी सच्चाई की वलियों ने कसम खाई है, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के साथ में कुदरत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती बेटा, झूठ के पाँव में जन्नत नहीं रहती। देखिए।